नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर माती रोड रजावत हॉस्पिटल का है, जो जिले के आला अधिकारी से मिली भगत कर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर धनबल रसूख के चलते अब लाशों का सौदा करने में लगे हुए हैं। कोविड 19 का फायदा उठाकर अब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अकबरपुर के रहने वाले पीड़ित मृतक के परिजन अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया, बेटे के गले में कफ जब जाने के कारण अचानक बेटे की तबीयत बिगड़ने से अकबरपुर के रजावत हॉस्पिटल में बेटे निखिल अग्रवाल को कराया था भर्ती। मरीज के नाम पर 1,55,000 रुपए जमा कराने के बाद भी सही इलाज न करने जैसे तमाम लापरवाही के आरोप लगाए हैं। डॉक्टर द्वारा कोताही बरतने से बेटे की जान गई। मृतक के परिजन ने यह भी बताया, हॉस्पिटल के कर्मचारी ने अभद्रता कर अस्पताल के बाहर निकाल दिया था और मरीज को नहीं देखने दिया। बेटे की मृत्यु की सूचना डॉक्टर काफी देर तक छिपाए रहे। बेटे की मृत्यु की भनक जब परिजनों को लगी तो आनन फानन डॉक्टर से डेड बॉडी मांगने को आग्रह किया, तो रजावत हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत रजावत ने डेड बॉडी देने के नाम पर अतिरिक्त 70,000 रुपए की मांग करने का ऐसा परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों द्वारा जब इस मामले की अकबरपुर कोतवाली सीएमओ एसडीएम से बात की गई तो सब ने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तीमारदार इलाज के नाम पर 1,55,000 रुपए लेने के बाद भी डॉक्टरों का नहीं पसीजा दिल। डेड बॉडी देने के नाम पर अतिरिक्त 70,000 रुपए परिजनों से मांग करने का रजावत हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत पर आरोप है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार अग्रवाल। कहाँ से आए? अकबरपुर से। क्या समस्या थी, किसको लेकर आए हॉस्पिटल में? अपने बेटे को लेकर आए निखिल अग्रवाल। किस हॉस्पिटल में लेके आए, कहाँ पर है ये? ये रजावत है, माती रोड पे। क्या परेशानी हो रही है आपको? उसको सांस की प्रॉब्लम, दिक्कत बताई, थोड़ी दिक्कत थी, कब जमा हुआ था तो दो दिन उन्होंने नेबुलाइजर क्या बोलते हैं वो लगाया, उससे उसको राहत मिली, फिर उसके बाद बंद कर दिया। हमने कहा कल चलिए बाहर, आज डॉक्टर नहीं है, हमको बाहर भगा दिया। इसके बाद हम लोग अंदर जाने लगे कि चलो देखा है बच्चे को, कल चले चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए, गर्मी मरते रहे, फिर बाहर कर दिया गेट के, कल तुरंत बाहर चलिए। कितने समय पहले एडमिट करवाया था बच्चे को आपने? शनिवार को करवाया था, 25 तारीख को। आज डॉक्टर साहब ने 25 तारीख को रात में, मतलब आज डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको? आज डॉक्टर साहब ने बुलाया हमको, कहने लगे भाई चाचा जी आपके बच्चे का देख रहे हैं, वो तो चला गया बच्चा आपका, फिर वो क्या बोलते हैं जो सिस्टम होता हो, चिमटी उमटी दुनिया भर की सब लगाई। अभी तक कितना पैसा ले चुके हैं आपसे? 1,55,000 रुपए सर ले चुके हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का नाम है प्रशांत रजावत। क्या अब और पैसे की डिमांड कर रहे हैं? जी हाँ, 70,000 रुपए और मांग रहे हैं। आपने कहीं शिकायत की अभी डीएम साहब को, एसएमओ साहब को? कौन से सूचना दी थी? यही सूचना दी कि सर हमको परेशान कर रहे हैं, मिट्टी नहीं निकलने दे रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? आप वहाँ से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला जी।